Fifth question, 9 part. Cosec A, LHS is equal to cosec A minus sin A, in next bracket sec A minus cos A. हमने small trigo ratio में change किया, first cosec A को हम लिख सकते हैं 1 upon sin A, ये already small में ही है sin A. इसी तरह से हमने next bracket में sec A को change किया 1 upon cos A में, आगे हमने LCM लिया sin A 1 minus sin A, नीचे denominator कुछ नहीं होता तो हम direct ऊपर multiply कर देते sin square A, next bracket में cos A 1 minus cos square A, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज, वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, एंड वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए. हमने ये दोनों वैल्यूज पुट करी, वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन cos square, तो हमारे पास आया cos से square cancel, sin से sin square की square cancel, हमारे पास बचा cos a into sin a. ये हमारा LHS आया है. अब हम इसमें RHS को भी solve करेंगे. RHS से हमारे पास 1 upon tan a plus cot a, हमने लिखा 1 अपॉन tan a को लिखा sin a अपॉन cos a प्लस cot a को लिखा cos a अपॉन sin a. आगे हमने 1 अपॉन में LCM लिया sin a cos a, हमारा LCM आया cos a into sin a, cos a कैंसिल हो जाएगा, sin a की sin a से मल्टीप्लाई करी, हमारे पास बना sin स्क्वायर a प्लस सिमिलरली sin a कैंसिल, cos a की मल्टीप्लाई हुई, हमारे पास आया cos स्क्वायर a. 1 के अपॉन में ये पूरा डिवीजन में है हमारे पास, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास 1 बन गया, नीचे आया cos a into sin a. अब हमारे पास ये पूरा 1 के साथ डिवीजन में, तो हम लिखेंगे 1, ये पूरा डिवीजन में, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1 मल्टीप्लाई cos a sin a अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू cos a इनटू sin a. इसी तरह से हमने पहले LHS को cos a sin a के इक्वल निकाला, फिर हमने RHS को भी cos a sin a के इक्वल.